इट्स लंच टाइम दोस्तों इन जादुई दुबई मैजिकल दुबई जहां हम एक्सप्लोर पर एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। पवेलियन एट द बीच हम आ चुके हैं जहां से आयन दुबई का तुम्हें व्यू दिख रहा है। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, मेरे साथ है आरजे सोनाली। और अगर आप अपने सपनों की बात करें तो एक तरफ अरेबियन गल्फ का व्यू और दूसरी तरफ दुबई की स्काईलाइन और आपके सामने बढ़िया सा खाना फॉर ऑल द फूडीज। डेस्टिनेशन दुबई सीजन 2। जब आप बीच साइड बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करने के बाद पवेलियन आए तो पवेलियन एट द बीच पर आपको मस्ती मजा और बहुत सारा अच्छा अच्छा फूड मिलना चाहिए। सो सोनाली को मैंने प्रॉमिस किया था अच्छे वाले लंच का, हम आ गए हैं इटली नहीं इटली। सो गाइस जैसा कि प्रॉमिस किया था सोनाली को इटली में लंच के लिए, सो हम इटालियन टेस्ट के लिए तैयार हैं और हमने एक टास्क रखा है यहाँ पर ये कि मैं कार्तिक के लिए फूड ऑर्डर करने वाली हूँ और कार्तिक मेरे लिए। एंड यू कैन सी आपने मेरे लिए क्या मंगाया। एमिलिया मैंने इनके लिए मंगाया क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस है, सो रेड एप्पल जूस तैयार है। एंड कार्तिक ऐसे ही अच्छा दोस्त साबित करूंगी मैं खुद को, आपकी हेल्थ का भी ख्याल मैंने रखा है। आपके लिए आपका फेवरेट आइस लाटे मंगवाया है बट विदाउट शुगर। और अगर बात करें हम फूड की तो इनके लिए ऑर्डर किया है स्पेगेटी बुर्राता। For Kartik, we've ordered as a lasagna, जिसे कहते हैं Parmigiana di Melanzane, which is Italian classic dish. और क्योंकि pizza lovers तो हम हैं, तो margherita. इटली में authentic Italian food है, मतलब दिल आ गया बॉस। That's the power of sunsets. खूबसूरत डूबता हुआ सूरज, ऐसे व्यू और इन मॉकटेल्स के साथ ये कौन सी वाइब में हो कार्तिक? ये वाइब जो है ना ये म्यूजिकल वाइब है जो रेडियो जॉकीज होते हैं ना, जैसे आरजे कार्तिक आरजे सोनाली, हम लोग जहाँ गुड म्यूजिक सुनते हैं इंजॉय करने लगते हैं वाइब में चले जाते हैं। सो म्यूजिकल वाइब, पावर ऑफ म्यूजिक, पावर ऑफ सनसेट। और जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ से खूबसूरत सनसेट जो है इंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर सनसेट व्यूज देखा है लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू है। सामने की तरफ आयन दुबई है, स्काई लाइन दिख रही है, साथ में बीच है। ओ हो, कौन सी जगह? So here's the beach, here's the pool, here's music, beach bar at blah blah, Dubai. The entire place, इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है। ये प्रीमियम मॉकटेल है भाई, इसमें वाटरमेलन है, लीची है, इसमें मिंट है। So it has vanilla, peach, passion fruit, एकदम ऐसे प्रीमियम ड्रिंक। यहाँ आइए अपनी बेस्ट शाम जो है जिसे शानदार कहते हैं वो बिताइए। शाम शानदार यार। And I have chicken nuggets for me. Kartik has some vegetarian cheese nuggets for himself. बड़े मजे करने वाले हैं। Enjoying the sunset here. ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आते रहना दोबारा। इस वक्त हम दुबई की इन गलियों में एक्सप्लोर करने आए हैं अच्छा वाला फूड और हम जा रहे हैं XVA गैलरी आर्ट होटल एंड कैफे। सो गाइस लेट्स कम विद अस एंड एक्सप्लोर। सो इफ यू लाइक द आर्टसी वाइब्स, बहुत सारे राइटर्स यहाँ पर मिलकर अक्सर लिखने का काम करते हैं। देयर इज एन आर्ट गैलरी एंड ऑल्सो अ कैफे। एब्सोल्युटली। सो आइए XVA गैलरी आर्ट होटल एंड कैफे को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की गैलरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वो गैलरी है जहाँ पर आपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्ट वर्क देखना है। ये सुकून भरी जगह है कि दूर दूर से इसकी तलाश में लोग यहाँ आते हैं। स्पेशली इफ यू आर एन आर्टिस्ट एंड इफ यू आर इन दुबई, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। सो मिल गया हमें इंडियन फूड, जो की शर्त लगी थी मैं जीत चुका हूँ। बहुत कम मुझे जीतने का मौका मिलता है लेकिन आज मेरी जीत हुई है। सोनाली ने ऑर्डर किया है एक प्लांट बर्गर और मैंने मंगवाई है XVA थाली। मेरे साथ खा रही हैं सोनाली। वाह, आनंद। कितने दिरहम मिलेंगे मुझे इस शायरी पर जो लिखी है। यमी फूड था, छोले आपको दुबई में आकर के टेस्ट करने को मिल रहे हैं और वही वाला ऑथेंटिक वाला टेस्ट आ रहा है। एब्सोल्युटली, ऑथेंटिक इज द करेक्ट वर्ड इस जगह के लिए। सो XVA गैलरी आर्ट होटल एंड कैफे आकर के हमें अच्छा अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप दुबई आते हैं और ये जगह एक्सप्लोर करते हैं। हम जहाँ आ गए ना वो जगह एक ऐसी जगह सोनाली जहाँ एक बार इन हो गए तो आउट होने का मन नहीं करता क्योंकि ये है टाइम आउट मार्केट। मैंने ऑर्डर किया है पालक पनीर और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पालक अलग आया है पनीर अलग आया है। ओए होए, साथ में आई है बिरयानी, साथ में मेरे लिए है नान और साथ में सोनाली ने हम दोनों के लिए जो कॉमन ऑर्डर किया है वो ये है, वो पानी पूरी है बट आई हैव ऑर्डर्ड घी रोस्टेड चिकन फॉर माई सेल्फ। तो मेरे अंदर का एक्सप्लोरर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो सोनाली तूने आज तक ट्राई नहीं किया ना सब ट्राई कर। सो आई एम गोना ट्राई द कोपा टुडे, स्ट्रॉबेरी सिरप, कोकोनट क्रीम और लीची जूस इसमें। लेट्स सी हाउ इट्स मेड, सब कुछ लाइव हमारी आंखों के सामने होने वाला है।
खाए नहीं मेरा कोपा कोपा कोपा। सो मॉकटेल की बारी है, मैं अपने लिए बनवा रहा हूँ बेसिल स्ट्रॉबेरी। तो आओ अब मेरी तो आ चुकी है बेसिल स्ट्रॉबेरी मॉकटेल। अब मैं चलता हूँ अपनी ट्रैवल पार्टनर शोनाली के पास। हाँ, में मेरा कोपा कोपा मजा आ गया। गाना इनको जो है आज भा चुका है, सॉन्ग ऑफ द डे बन चुका है। और शोनाली जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि टाइम आउट मार्केट में इन करने का तो टाइम है, लेकिन आउट होने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम यहाँ पर बस जाओगी। कितनी देर से हम एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग डिशेज एंजॉय कर रहे हैं और अब मॉकटेल एंजॉय कर रहे हैं। और इस मॉकटेल का हम एक्चुअली इंतजार कर रहे थे। हम वो सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर जितनी कर सकते हैं, जितनी हमारी पेट में जगह है एक्चुअली। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि अपने यमी टमी एक्सपीरियंस के लिए टाइम आउट मार्केट आओ इन जादुई दुबई। समय है पेट पूजा करने का और उसके लिए शोनाली को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत ही इन्होंने रिसर्च की है और ये लेकर आई हत्ता के फेमस रेस्टोरेंट में। नाम है अल हजरीन, जहाँ हम ऑथेंटिक अरेबिक फूड ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द मेन्यू नाउ। अब दुबई आए और ऑथेंटिक अरेबिक फूड ट्राई नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये है शीश टोल। अब इसमें कार्तिक, आप तो चिकन खाते नहीं हो, नॉनवेज खाते नहीं हो, पर मैं खाती हूँ शौक से। सो मैरिनेटेड चिकन है विच इज अमेजिंग अरेबिक ब्रेड्स के साथ। आपने क्या मंगाया? और मैं इंडियन फूड को मिस कर रहा था, इसलिए अरेबिक फूड के साथ में इंडियन फूड का फ्यूजन जो है यहाँ पर आ गया है। तो हमारे पास में है फलाफल, साथ में पनीर बटर मसाला, नान। मतलब दिखने में ये जगह जितनी सुंदर है ना कार्तिक। यस, टेस्ट इज आल्सो रियली रियली गुड। आप भी ट्राई करो। तो बहुत सारी बातें कर ली सोनाली, बहुत कुछ बता दिया बिना देरी के। डेस्टिनेशन दुबई में फूड डेस्टिनेशंस कई हैं, यानी स्वाद का जादू भी बस यही है।